इंस्टाग्राम में आए दिन नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ठीक है। थ्री प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपके इसमें अप्लाई ब्लू टिक या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये सबसे पहला है प्रॉब्लम लोगों के इसमें। दूसरा प्रॉब्लम मोनेटाइजेशन स्टेटस को लेकर, ठीक है। अगर आपके इसमें कोई भी तरीके का कोई वायलेशन हो रहा है या रेट एट्रिक्स या इन एलिजिबल दिखाई दे रहा है, ऑल थिंग्स करेक्ट भाई, तीनों टिक राइट दिखाई दे रहा है वो, या तीसरा अकाउंट स्टेटस को लेकर, क्या उसमें कंटेंट रिमूव किया गया है कुछ भी, भाई इसका सॉल्यूशन ये है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये आज हमें भी आया था, मेल आ रहा है इनके तरफ से, भाई क्या है वो मैं आपको वीडियो में लेकर चलता हूँ और इसे कर दो। तो यहाँ से स्टार्ट, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आज बहुत सारे लोगों को मेल आया है, और अगर आपको नहीं आया तो भाई शाम तक रुक जाइए, आपके पास ये मेल ज़रूर आ जाएंगे। फिर आप मेरे पे DMs करेंगे सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये सही है भाई, क्या चल रहा है ये। सबसे ज़्यादा लोगों के मन में ये डाउट आता है सर ये रियल है या फेक है, ठीक है। अगर हम अप्लाई करें बोनसेस नहीं ब्लू टिक के लिए या अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, या हमारा अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट तो नहीं होगा, इसमें लिखा क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए कॉपीराइट हेल्प नोटिस, भाई कॉपीराइट से रिलेटेड है। इंस्टाग्राम हाई रोकाड़े 1941 ये आपका यूजर नेम रहेगा, या इसके जगह दूसरा यूजर नेम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये दिखाई दे रहा है हाई टिप टॉप शायर, या और भी है, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को आया है, बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। योर अकाउंट हैज रिसीव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट, आपके अकाउंट पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रिसीव हुई है लेटली, एंड योर अकाउंट विल बी डिलीटेड, भाई देरी से सही पर आपके अकाउंट पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई है और योर अकाउंट विल बी डिलीटेड, भाई आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स आ रही है आपका अकाउंट से रिलेटेड, हमें आपका अकाउंट डिलीट करना पड़ रहा है बिकॉज यू डू नॉट कंप्लाई विद अवर रूल्स, आप हमारे रूल्स के साथ खड़े नहीं हुए हैं, भाई गलत काम कर रहे हो, जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस है हमारे जितने भी रूल्स है रेगुलेशंस है वो आपने बराबर फॉलो नहीं किया, आप घबरा जाओगे भाई क्या चल रहा है। टू प्रिवेंट दिस, आप इससे बचना चाहोगे, यू नीड टू फिल आउट दिस फॉर्म, क्लिक गो टू द फॉर्म, यहाँ पर आपको गो टू द फॉर्म दिखाई, उस पर क्लिक करके आप इससे बच सकते हो। रिमेंबर इफ यू डू नॉट फिल आउट द फॉर्म योर अकाउंट विल बी डिलीट, अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते तो आपका अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, भाई बहुत बुरी बात है। गो टू फॉर्म, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मान के चलिए मैं आपको मेल पर लिखकर चलता हूँ ना, यहाँ से मैं आया हूँ मेल, ये देखिए ये इस तरीके से मेल आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मान के चलिए गो टू फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ये मैं गो टू फॉर्म पे क्लिक किया हूँ, ये आपके सामने में फॉर्म ओपन हो रहा है सेंटर फॉर ऑब्जर्विंग बैच, ठीक है, metaobservation.com, मेटा इतने अच्छे से ब्लू डिजाइनिंग, आपको लगता है भाई ये रियल है पर मैं आपको बताऊंगा ये रियल है भी है या नहीं, मेटा भी लिखा है, ठीक है, metaobservation.observationcenter.com ऑफिशियली वेबसाइट भी है। आप बोलेंगे भाई सही है ना, बैच ऑब्जर्वेशन सेंटर, इंस्टाग्राम uses blue check mark next to the name of verified account to indicate that the platform has authenticated their identity and legitimate representative of the public figure celebrity, या आप कोई ब्रांड हो या पब्लिक फिगर हो या सेलिब्रिटीज हो तो भाई आपके नाम के बाजू में एक ब्लू टिक दिया जाएगा। अब भाई आप तो अकाउंट डिलीट करने का बोल रहे थे, गो टू फॉर्म पे किए, मैंने गो टू फॉर्म पे क्लिक किया तो ये मुझे ब्लू टिक के बारे में क्यों बताया जा रहा है। टू प्रोसेस विद द वेरिफिकेशन प्रोसेस काइंडली प्रोवाइड योर यूजर नेम, भाई यूजर नेम आपको डालना है तो चलिए मैं यूजर नेम डाल देता हूँ, ये मैंने यूजर नेम डाल दिया हो, और उसके बाद नीचे में लिखा भी है मेटा वी बिल्ड टेक्नोलॉजी डेट हेल्प पीपल कनेक्ट विद द फ्रेंड एंड फैमिली एंड कम्युनिकेट विद द, सब चीज़ें, और यहाँ पर पूरी चीज़ दिया भाई, इंस्टाग्राम भी है फेसबुक भी है सब चीज़ें। आप बोलेंगे भाई बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा नीचे में जो आपके इसमें आता ना कॉपीराइट रिजर्व, भाई कब बना है कब क्या है उसके बारे में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये मैंने यूज़र नेम डाल दिया है, ओके। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ उसके बाद आपके सामने में वो पासवर्ड पूछा जाएगा शायद तक, और मैंने हमेशा कहा है कभी भी देखिए हेलो मिस्टर खान AE काइंडली प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉर्म आवर टीम विल रिव्यू द प्रोवाइडेड डिटेल एंड वी विल गेट इन टच विथ यू एज सून एज पॉसिबल। इसमें आपको क्या करना है पासवर्ड डालना है, और जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो भाई उसके बाद एक कोड पूछा जाएगा, और कोड बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा चल रहा है इसमें पासवर्ड पूछते हैं और उनके पास अप्रूवल चले जाता है और आप अप्रूव करेंगे तो उसके बाद डायरेक्टली आपका अकाउंट पूरी तरीके से चला जाएगा, तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। इसका मतलब ये है ये रियल नहीं है, ये फेक तरीके से लोगों से यूज़र नेम कलेक्ट किया जा रहा है, उनका पासवर्ड कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद उसे भाई डायरेक्टली हैक कर दिया जा रहा है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर अगर पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं पुट करके बताता हूँ आपको, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया हूँ, फिर इसके बाद कर लिया हूँ, ठीक है। ये मैंने पुट करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद क्या आता है देखो, यस उनके पास अप्रूवल चले गया होगा, ठीक है, अब तक अप्रूवल चले गया होगा क्योंकि ये हमारे इसमें कुछ बता नहीं रहा कि भाई फेक है। देखिए कोड के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए सेव पासवर्ड,
पासवर्ड सेव करना है और यहाँ पर कोड पूछ रहा है, और कोड कभी भी किसी के पास भी नहीं जाएगा, कोड नहीं जाएगा, उनके पास जाएगा अप्रूवल। अभी अप्रूवल कैसे जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, या मान के चलिए मैसेज के अंदर, ये देखिए दिख रहा है आपको, हाँ इस तरीके से बाजू में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप अप्रूव करेंगे तो ये कहाँ का तो भी दिखा रहा है, ओहियो यूनाइटेड स्टेट यूएस का दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ से मेरी आईडी को हैक की जा रही है। तो इसके कारण ये गलती से भी आप मत करना, अगर आप गलती से भी इस तरीके से कुछ करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कोड पूछा जाएंगे और आप कोड नहीं डालोगे, कोड कुछ भी डालोगे क्योंकि कोड आपके पास आएगा ही नहीं। अगर कोड आएगा तो भाई वो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, तो कोड देंगे उतनी देर में वो अप्रूव करने के लिए कहेंगे और अप्रूव नहीं कर पाएंगे आप, तब जाके आपके इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका अकाउंट थोड़ी देर तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो इसके कारण अगर आपने ऐसी गलती की होंगे तो 5 मिनट के अंदर अपना पासवर्ड ज़रूर चेंज कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर 3 डॉट पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें बंद हो गई है, ये मेरी एक्सेस कहीं और चलने लग गया है। तो यहाँ पर आप क्लिक भी करोगे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर, ये कुछ भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से फ्रॉड से बचिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से तो मैंने इसे बंद कर दिया हूँ, ओके। और अगर मैं यहाँ पर चेक भी करता हूँ तो देखिए, एक मिनट, बैक, ठीक है, ऑल, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको न्यू लॉगिन। इस तरीके से यहाँ पर डिवाइस भी दिखाई दे रहा है। अगर ये आप नहीं हो तो जल्दी से जल्दी आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, वरना अकाउंट आपका हैक भी किया जा सकता है। अब मान के चलिए यहाँ पर मैं अकाउंट पर आ रहा हूँ, चलिए ये मैं अपने अकाउंट पर आ गया हूँ, तो ये अकाउंट हमारा ओके है, क्योंकि मैंने दूसरा अकाउंट से लॉगिन करके देखा तो भाई वो अकाउंट का जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो चुरा लेगा। मैं अभी थोड़ी देर के बाद उसे डायरेक्टली हटा भी दूंगा, दूसरी चीज़ कर लूँगा। पर अगर यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपके इसमें पूरी चीज़ ओके दिखाई देंगी। ये मैं गया हूँ, ये पूरी चीज़ ओके दिखाई देंगी, कंटेन मोनेटाइजेशन पॉलिसी कंटेन, ये चीज़ें, ये कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं दूसरे अकाउंट पर भी जाकर यहाँ पर चेक करूँगा तो यहाँ पर भी सेम ऐसी ही दिखाई देगा, किसी में कोई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको जितना ज़्यादा हो सके भाई दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लोगों के अकाउंट को भी बचाइए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनका अकाउंट चले जाएगा। ऐसे मैसेज बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है आना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, और अगर एक आपको चाहिए ब्लू टिक तो मैं आपको हमेशा कहूँगा क्रिएटर पे जाइए। यहाँ पर मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आपको जाना है क्रिएटर टूल्स, यहाँ से रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन करके आप डायरेक्टली ब्लू टिक ले सकते हो। अगर आप भाई मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटीज़ है, आपके नाम से बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स है, न्यूज़ में आपका नाम चलते रहता, उससे ले सकते हो। नहीं है तो अकाउंट सेंटर में जाके, यहाँ पर आपको नीचे मेटा वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, तो मेटा वेरीफाइड से आप क्या कर सकते हो, इसे परचेस कर सकते हो। देखिए आपके इसमें दोनों पे मिलेगा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर दोनों पे आपको ब्लू टिक मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, और वो भी 1100 रुपये में, ओके। और अगर आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैंने पहले भी वीडियोज़ बना चुका हो, या यहाँ पर अगर आप जाते हो और मोनेटाइजेशन स्टेटस नहीं है तो किस तरीके से ये तीनों आपके इसमें दिखाई देगा, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाया हो। और अगर आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली नीचे अकाउंट स्टेटस पर चेक करेंगे तो चारों टिक राइट दिखाई देगा, कंटेंट रिमूव नहीं किया गया है, फीचर्स आपका मोनेटाइजेशन भी ओके है और रिकमेंडेशन भी ओके है, सब चीज़ें ओके है। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम आपके इसमें नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम रहती है उससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाए हो, पर इस तरीके से फ्रॉड से बहुत ज़्यादा बचिए आप लोग, ओके। तो चलिए यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे बंद। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो फ्रेंड्स का चैनल आजाद इंजीनियरिंग ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।